अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको काइनमास्टर में के टेक्स्ट एनिमेशन के बारे में एक और वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह से आप अपने टेक्स्ट को एनिमेट कर सकते हैं, आप एनिमेशन को किस तरह से अपने टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को कर देते हैं स्टार्ट। मगर उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। सबसे पहले एक एम्प्टी प्रोजेक्ट हमने बना दिया है, अभी इसमें हम एक बैकग्राउंड को ऐड कर देंगे, ब्लैक बैकग्राउंड यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है। अभी इसमें टेक्स्ट को हम ऐड करेंगे, मैं यहाँ पर सिंपल टेक्स्ट एनिमेशन, इसको हम मैं ये फॉन्ट स्टाइल भी मैंने इसको दे दिया है और इसको इस तरह से अलाइन कर दिया है। अभी इसके एक डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे और इसको इसमें हम लिखेंगे टेक्स्ट एनिमेशन, इसको सेट कर देंगे यहाँ पर। इसको देखिए ये बिल्कुल अलाइन करना होगा हमने इसको, देखिए ये बिल्कुल सेट हो गई है। अभी हमने इसमें एनिमेशन को ऐड करना है। सबसे पहले तो यहाँ से सबसे पहले मैं इसमें कलर को ऐड कर दूँगा, या इसको कर देते हैं वाइट और इस वाले को कर देते हैं रेड, या जो भी कलर आपको पसंद हो आप उसको मैं ऐड कर सकते हैं। इसमें इन एनिमेशन को ऐड करेंगे जिसमें ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा और इसकी स्पीड को थोड़ा तेज कर देंगे 0.5 पर और ओके कर देंगे। अब इसमें आउट एनिमेशन को भी ऐड कर लेंगे, ये वाला, और इसको भी 0.5 कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह का इफेक्ट हमारे साथ। अभी हम इस वाली सेकंड टेक्स्ट पर भी इन एनिमेशन और आउट एनिमेशन को ऐड करेंगे। फर्स्ट वन जो है वो ऊपर से नीचे आ रहा है, अभी सेकंड वन हमने नीचे से ऊपर को एनिमेट करना है। स्लाइड आप इस तरह से, और इसको भी 0.5 कर देंगे। और आउट एनिमेशन जो है इसमें ऊपर की तरफ सेट करेंगे, स्लाइड अप कर देंगे एग्जैक्ट स्लाइड अप और 0.5। तो ये इस तरह का इफेक्ट हमारे साथ क्रिएट हो गया है। देखिए मैं इसके साइज को थोड़ा डिक्रीज कर देता हूँ, बल्कि इसको रीडू कर देते हैं, इतना ही रहने देते हैं। अभी इसमें हम लेयर के बटन पर क्लिक करके यहाँ पर इस हैंड राइटिंग वाली ऑप्शन को चूज़ करेंगे और यहाँ से शेप, ये वाला शेप चूज़ कर लेंगे और यहाँ से ब्रश की साइज़ जो है उसको हम डिक्रीज कर लेंगे और यहाँ पर इस तरह से ड्रा कर देंगे इसको। ये सही नहीं है, अभी दूसरी ट्राई। देखिए आपने इस तरह से इसमें से ये देखे, अभी ओके कर देते हैं। अभी इस बॉक्स को भी हमने एनिमेट करना है, तो इसमें इन एनिमेशन को ऐड करने के लिए इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ड्रा बाय स्ट्रोक और इसको 0.5 पे, या इसको स्लो 1.2 पर यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे
और अभी इसको वापस से सेलेक्ट करके ये आउट एनिमेशन है तो इसको आउट एनिमेशन में एराइज बाय स्टॉक वही इफेक्ट हम इसमें ऐड कर देंगे और 2.0 पर ही सेट करेंगे। ये देखें कुछ इस तरह से टेक्स्ट एनिमेशन जो है वो इफेक्ट हमने रेडी कर लिया है। अब ये इस को हम रेंडर करेंगे और मैं आपको इसका एंड रिजल्ट दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से एनिमेट हो रहा है। ये देखें मैं इस वीडियो को मैं प्ले कर देता हूँ। ये देखिए इस तरह का एनिमेशन इफेक्ट हम बना सकते हैं काइन मास्टर में। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक दे दें और साथ ही में अगर चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही में घंटे की निशान को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।